रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, एक व्यक्ति की आमदनी 3-4 आने और दूसरे की 10-20 हज़ार रुपये है। अगर वित्त मंत्री महोदय इस विषमता को दूर नहीं करेंगे तो समाजवाद का नारा बिल्कुल कोरा और कागजी सिद्ध होगा। इस देश में 8-10 करोड़ हरिजनों का एक ऐसा वर्ग है जिसकी माली हालत बहुत गिरी हुई है। इस बजट में उनकी उन्नति और कल्याण की योजनाओं का समावेश होना चाहिए। वित्त मंत्री ने 150 करोड़ रुपये के जो कर लगाए हैं उनसे देश के आम आदमियों की हालत खराब हो गई है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि योजना के अंतर्गत देश में विकास कार्य हो रहा है और अब हम इस दिशा में जो कुछ कर पाए हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है, देश की संपत्ति बढ़ रही है, हर आदमी की औसत आय भी बढ़ रही है, फिर भी हमारे यहाँ की पुरानी गरीबी बिल्कुल नहीं हटी है। मैं समझता हूँ कि यह इस सदन के लिए और सरकार के लिए विचार करने का विषय है कि क्या कारण है कि जब हम 48 वर्ष से अपने देश की गाढ़ी कमाई का रुपया और दूसरे देशों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकमें देश के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं और देश में धन भी पैदा हो रहा है, तब भी देश में जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? मैं समझता हूँ कि यह सोचने की बात है। यह सही है कि हम समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन समाजवाद के रास्ते पर ठीक ठीक चलें तो भी हम यह अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कितने वर्षों में हमारे देश की गरीबी दूर होगी। यह सही है कि हम योजना के तरीके पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात को देखने की आवश्यकता अब पैदा हो गई है कि देश में जो धन पैदा होता है वह कहां से कहां जाता है। इतनी प्रगति होने पर भी हम देखते हैं कि गरीबी दूर नहीं हो पा रही है, गरीबों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? यह गंभीरतापूर्वक सोचने की बात है। यह समस्या केवल समाजवाद के ढांचे वाला प्रस्ताव पास करने से ही हल नहीं होगी और न योजना पूर्वक बड़े बड़े कारखाने खोलने से हल होगी। यह आवश्यक है कि बड़े बड़े कारखाने खोले जाएं, इस्पात के कारखाने खोले जाएं, इस्पात का उत्पादन बढ़े, लोहे का उत्पादन बढ़े, कोयले का उत्पादन बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय,
मैं राष्ट्रपति महोदय के